भगवद गीता के 18वें अध्याय में उपयोगिता का अंकन किया गया है तीन दृष्टियों से। एक दृष्टि यह है अग्रे विस्मिव परिणामे मृतोपमम, विद्या अध्ययन है, संयम है, साधना है। आरंभ में विष सरीखा कष्टप्रद सिद्ध होता है, लेकिन परिणाम में व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है। एक यह है आरंभ में बहुत आनंद मिलता है, उल्लास की प्राप्ति होती है, अंत में वह आनंद विषाद के रूप में, वेदना के रूप में परिणत हो जाता है। बहुत छोटा सा उदाहरण है खुजली। खुजलाते समय अच्छा लगता है, बाद में रोना पड़ता है। आरंभ में अमृत के समान, पर धन का फरण, पर स्त्री के शील का फरण, ऐसे ही अमर्यादित ढंग से धन का संग्रह, ये सब आरंभ में सुखकर प्रतीत होते हैं, परिणाम में दुख देने वाले होते हैं। पहली भूमिका सत्वगुण के कारण है, दूसरी भूमिका रजोगुण के कारण। तमोगुण की दृष्टि से आरंभ और अंत तक मोह ही मोह है, कोई आह्लाद की बात ही नहीं। इन सब दृष्टियों से विचार करने की क्षमता आधुनिक व्यक्तियों में नहीं है। विचार की विधा यह है कि श्रुति युक्ति अनुभूति, दूसरे शब्दों में दर्शन विज्ञान और व्यवहार, तीनों में सामंजस्य साधकर हम काम करते हैं तो स्थिर सफलता की प्राप्ति होती है। मोबाइल इत्यादि की जो बात है, तात्कालिक विनोद, समय की बचत, श्रम की बचत, इन सब के कारण तात्कालिक ही उपयोगिता व्यक्ति के मस्तिष्क को आच्छादित कर देती है। जो होगा देखा जाएगा परिणाम में, या जो उन्माद है, या व्यक्ति को भविष्य में क्या इसका परिणाम होगा, उधर ध्यान नहीं देने देता। जैसे युवावस्था में कोई व्यक्ति खूब भोजन करता रहे, रबड़ी कचौरी मालपुआ, खूब मिठाई खाता रहे, अब उस व्यक्ति की दृष्टि यह नहीं है कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। कल मैंने प्रवचन में कहा था कि धर्म का पहला लक्षण मनुस्मृति के अनुसार धृति है, धैर्य, और वैज्ञानिक महायांत्रिक युग का पहला लक्षण है धैर्य का विलोप। किसी भी व्यक्ति का जीवन किसी भी क्षेत्र में ऐसा मत रहने दो कि वह दीर्घकाल तक धैर्य रख सके। कल्पना कीजिए कोई अन्ना हजारे जी हैं, दिल्ली में प्रविष्ट हुए 5 अप्रैल को, कभी अभियान चलाया, उन्होंने सोचा कि हथेली पर सरसों जमाने के समान झटपट मेरी घोषणा 6 महीने के अंदर सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। उनका तंत्र बिखर गया, अब वो केवल भूत के गर्भ में जाकर प्रविष्ट हो गए। कभी कभी अनशन की धमकी देते हैं, परंतु कोई प्रभाव नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी धैर्य का इतना विलोप हो गया है। उदाहरण मैं देता हूँ, गोबर से कंडे बनाते हैं, अभ्रक भस्म 1000 फुट के बाद ठीक से बन सकता है,
अब वो कंडे की प्रक्रिया छोड़ दीजिए, विद्युत के माध्यम से वो आप संपुटित कर दीजिए, गुण का विलोप हो जाएगा, दोष का आधान हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि किसी भी मार्ग पर, यहाँ तक कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विचार करें तो धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन महायांत्रिक युग का पहला लक्षण है किसी भी मार्ग पर चलने के लिए दीर्घ काल तक धैर्य साथ नहीं देता। अध्यात्म में भी यही विसंगति है, कुंडलनी जागरण से ही लोग सोचते हैं साधना प्रारंभ करूं, निर्विकल्प समाधि से लोग समझते हैं साधना प्रारंभ करूं, जबकि यम नियम आदि की घाटियां पार करें तब समाधि लग सकती है। इन सब दृष्टियों से हमने कहा कि महायांत्रिक युग में तात्कालिक उपयोगिता ने किसी भी उत्तम उपलब्धि के लिए जितना धैर्य चाहिए उसका विलोप कर दिया है। इसलिए मानव जीवन की अपूर्वता महत्ता पर ही एक प्रकार से ग्रहण लग चुका है, उस पर विचारकों को विचार करना चाहिए। अब तो दो ही बात है, या तो बुद्धिपूर्वक व्यक्ति महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग पर प्रतिबंध लगावे, या फिर प्रकृति प्रतिबंध लगावेगी तो बहुत कष्ट होगा, उसके लिए उद्यत रहे। प्रकृति अपने आप में क्रांति करती है, क्योंकि भगवान की शक्ति प्रकृति है, प्रकृति के परिकर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आदि हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। प्रकृति जब क्रांति का मार्ग निकालती है तो बहुत विस्फोटक वह मार्ग अन्यों के लिए सिद्ध होता है। प्रकृति जब कदम उठावे उससे पहले विवेक पूर्वक मनुष्य को कदम उठाने की आवश्यकता है। लोग सोच सकते हैं कि प्रकृति तो जड़ है, कदम कैसे उठाती है, तो भागवत के भागवत में उसका उदाहरण दिया गया चौथे स्कंध में। जब वेन का शासन था तो सज्जन दाने दाने के लिए मोहताज थे, और दुर्जन रबड़ी कचौरी मालपुआ से खेलते थे। पृथ्वी ने सोचा दुर्जन रबड़ी कचौरी मालपुए छकते हैं, सज्जन दाने दाने के लिए मोहताज हैं। अब सज्जन की बात तो छोड़ दो, दुर्जनों को भूखे मारो, अन्न देना बंद कर दिया। अब वो स्थिति पृथ्वी की आने वाली है, संकेत समझ गए ना। भूदेवी ने अन्न देना बंद कर दिया, सज्जन तो पहले ही मर रहे थे अन्न के बिना, दुर्जन भी मरने लगे। चांदी सोना तो खा कर जीवित नहीं रह सकते थे, या नोटों का बंडल आजकल की दृष्टि से। ऐसे ही देहरादून में मैं था, श्री गंगा जी को लेकर एक गोष्ठी में किसी ने कह दिया हिंदुओं में दमखम नहीं है गंगा की रक्षा कर सके, हम ठेकेदार के एजेंट हैं, विद्युत परियोजना, नहर परियोजना, सुरंग परियोजना आदि के माध्यम से हमें गंगा जी को जिस दशा और दिशा तक पहुंचाना पहुंचाते रहेंगे, हमको कोई चुनौती प्राप्त नहीं है, सरकार हमारे साथ है, हिंदुओं से कोई चुनौती प्राप्त नहीं है। तो मेरे मुंह से निकल गया जरा मुझे उत्तराखंड से निकलने दो देहरादून से, फिर प्रकृति कैसे मार्ग निकालती है जिसके साथ तुम अन्याय कर रहे हो, वो गंगा ही कैसे मार्ग निकालती हैं तुम देख लेना, केदारनाथ की घटना मालूम है। इसका मतलब क्या होता है, जब मनुष्य क्रांति स्वस्थ क्रांति नहीं कर पाता या उधर ध्यान नहीं देता तो प्रकृति जो क्रांति का मार्ग प्रशस्त करती है उसमें बड़े बड़े विचार खाने चित्त हो जाते हैं। प्रकृति जो भगवान की शक्ति है अपने परिकर ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन के माध्यम से स्वस्थ क्रांति का मार्ग निकाले, उससे पहले ही हमको सतर्क या सावधान होना चाहिए। और कोई प्रश्न?